कुल्हड़ पिज्ज़ा। तो आज मेरे किचन में बन रहा है कुल्हड़ पिज्ज़ा। तो अगर आपने इसको अभी तक नहीं खाया है तो अब इसे खाइए और घर पे बनाइए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, जिसे मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। और स्वीट कॉर्न चाहिए मुझे, 2 कप लिए हैं मैंने। और थोड़ा सा पनीर 100 ग्राम। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक ऑलिव्स और थोड़ी सी ब्रेड्स, इसको मैंने काट ली है। और इसके बाद मैंने एक लेना है पैन। तो बनाना शुरू करते हैं इसे। तो इस पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच अमूल बटर, और जब ये मेल्ट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है, बड़ा नहीं रखना है इसका साइज़, हमें सबका छोटा ही रखना है। थोड़ा सा गलाएंगे हम इसे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे हम, तो इसे हमें चलाते रहना है। तो थोड़ा सा मैंने इसको गला लिया है, और ये सब हमें तेज़ आँच पर करना है। तो जो इंडक्शन की फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई रखी है मैंने, और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है। इसके बाद हमने इसमें डाले हैं कॉर्न्स। तो ये स्वीट कॉर्न है, बाज़ार में अब आराम से मिल जाते हैं, ये आधे बॉयल होते हैं ये, तो इसको बॉयल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जब इसमें हम बनाएंगे तो ये थोड़े से और ज़्यादा पक जाएंगे। और इसके बाद हमने इसमें डाले हैं ये ब्लैक ऑलिव। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। थोड़ी सी आँच मैंने डाउन कर दी है इसकी। इसके बाद हम डालेंगे ब्रेड्स। तो ब्रेड्स को मैंने बिना उसके साइड्स निकाले, उसको मैंने क्यूब्स के रूप में काट लिया था। तो अब आप पूछोगे ब्रेड्स क्यों डाली, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब ब्रेड थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है और थोड़ी सी गीली हो जाती है तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। और इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं पनीर। तो 100 ग्राम पनीर लिए थे, उसको भी मैंने क्यूब्स के उसमें काट लिए थे। और उसके बाद मैंने इसको धीरे से हल्के हाथ से हमें इसको मिलाते हुए सब में मिला लेना है। इन सबको मिलाने के बाद इसमें जाएंगे थोड़े से सॉसेजेस। तो पिज़्ज़ा सॉस डाला है मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच। इसके बाद जाएगा इसमें टमाटो सॉस, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। मेयोनीज़, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, तो 3 चम्मच मैंने इसमें डाली है, टीस्पून। और इसके बाद हम इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे सब में। बहुत आराम से ये प्रोसेस करनी है हमें। फ्लेम हमारी ऑन है और थोड़ा सा कम पे मैंने इसको चला रही हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग्स। तो सीजनिंग्स मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास कुछ पाउचेस पड़े थे तो मैंने वो यूज़ कर लिए हैं। तो चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो मैंने दोनों डाले हैं इसमें, और अब इन्हें हमें अच्छे से बस मिक्स कर लेना है। ये तैयार हो चुका है। अब ये तैयार हो चुका है तो हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है, गर्म ही गर्म हमें इसे कुल्हड़ में भर देना है बस। तो मैं मार्केट गई थी और मुझे ये मिला, बहुत मुश्किलों से मिला। मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किया इसको ढूंढा, लेकिन ये मिल नहीं रहा था मुझे, थोड़ा सा डिज़ाइन वाला। तो ये मुझे बहुत मुश्किलों से मिला, तो मैं अच्छे खासे 10-12 ले आई ताकि मुझे दोबारा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इसको आधा भरा था, ऊपर से डाला है मैंने थोड़ा सा स्प्रेड चीज़, और उसके बाद थोड़ा सा मोज़रेला, और इसके बाद हम इसको फिर से फिल कर देंगे ऊपर से। तो मैंने चीज़ जो है वो बीच में इसलिए डाला है कि इसका जो टेस्ट है वो लास्ट तक रहे। तो इसको मुझे पूरा ऊपर तक फिल कर देना है अच्छे से, दबाना नहीं है इसे हमें, और इसे अच्छे से फिल कर देना है। और इसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा और चीज़ डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा चीज़ डालेंगे। तो पहले मैंने स्प्रेड चीज़ डाला था, उसके ऊपर से मैंने ये मोज़रेला इसमें लगा दिया है, और इसे हम थोड़ा सा बेक करेंगे 3 मिनट के लिए। जब तक कि वो बेक हो रहा है मेरा पहला वाला, तब तक मैंने दूसरा भर लेना है कुल्हड़। और जो ये फिलिंग बच गई थी तो मैं मिट्टी का एक बर्तन लेके आई थी, तो मैं उसमें भी बना लूँगी इसे। तो मैंने एक लेयर बिछा देनी है इसमें, और इसके ऊपर भी मुझे मोज़रेला चीज़ और थोड़ा सा स्प्रेड चीज़ डाल देना है। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे दूसरी लेयर। तो लेयर बाय लेयर अगर आप इसको डालेंगे तो इसका जो मज़ा है वो नीचे तक जाएगा, चीज़ का मज़ा। सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ और कॉर्न का ही मज़ा होता है, और ब्रेड जो हमने इसमें डाली है।
और बस ऊपर से हमें थोड़ा सा स्प्रेड और कर देना है चीज़, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अवन में रख देना है। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी रख के इसको चीज़ को जो होता है वो मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी तैयार हो चुका है और जो कुल्हड़ थे वो तैयार हो चुके हैं। बहुत गर्म है ये, तो मैंने इसको कपड़े से पकड़ लिया है और निकाल लिया है। ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे ऑरेगानो। और ये देखिए बस तैयार हो चुके हैं। बाज़ार से भी अच्छा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है और सबने खाया घर में, बहुत तारीफ़ की इसकी, और ये बहुत अच्छा वाकई में बना था। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।